दोस्तों, आपने नागपंचमी से जुड़ी कई प्रसिद्ध कहानियां तो सुनी होंगी, कई मंदिरों में दर्शन भी किए होंगे और भाग्य से नागपंचमी के दिन नाग को दूध से स्नान भी करवाया होगा। तो दोस्तों, इन बातों से तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी इस वीडियो किस विषय पर होने वाली है। दोस्तों, आज हम नाग लोक के रास्तों और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे। शायद ही आपको इस जगह के बारे में पता होगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। नागलोक का महाभारत काल से ही कनेक्शन है। बताया जाता है कि द्वापर युग में जब भीम छोटे थे, तब दुर्योधन ने धोखे से उन्हें जहरीली खीर खिला दी थी। तब मरणासन अवस्था में बहते हुए भीम नदी में आ गए थे, जहां पर नदी में स्नान कर रही नाग कन्याओं की नजर उन पर पड़ी। वो भीम को इलाज के लिए नागलोक ले गईं। इसके बाद से इंसानों का प्रवेश नागलोक में वर्जित कर दिया। अब बात करेंगे नागलोक के रास्ते की। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी रास्ता जाता है। बताया जाता है कि यही रास्ता नागलोक की तरफ जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ती है और बारिश से भीगे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर नाग द्वारी के द्वार पर पहुंचा जा सकता है। ये क्षेत्र टाइगर रिजर्व होने के चलते साल में केवल एक या दो दिन के लिए ही खुलता है। मान्यता है कि इस द्वार के दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामना पूरी होती है और केवल एक बार नाग द्वारी यात्रा को पूरा कर लेने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। नाग द्वारी के रास्ते में नागमणि मंदिर भी है। बताया जाता है कि जो भक्त यहां दर्शन करने आते हैं, उनको कई सारे सांपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सांप किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मान्यता है कि नागदेव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साल में एक बार होने वाली ये यात्रा इतनी रोमांचक होती है कि ट्रैकिंग के शौकीन व्यक्ति भी इस यात्रा को करने पहुंच जाते हैं। इस रास्ते में कई बड़े बड़े प्राकृतिक झरने नजर आते हैं। वहीं कई जड़ी बूटियों के पेड़ पौधों की जानकारियां भी आकर्षित करती हैं। ये रास्ते इतने दुर्गम हैं कि हर पल डर बना रहता है कि कभी कदम डगमगाए तो सीधे गहरी खाई में समा सकते हैं। गिरते पानी में, फिसलन भरी ढलान में ये खतरा और बढ़ जाता है। कभी बड़ी बड़ी चट्टानों से गुजरना होता है, कई बार तो बहते हुए पानी को भी पार करना होता है, जो किसी रोमांच से कम नहीं होता है। नागलोक वाला कुआं। वाराणसी के जैतपुर में स्थित इस कुएं के बारे में तमाम कहानियां हैं। कोई इसे पाताल लोक का रास्ता बताता है, तो कोई इसे नागों का घर। एक कहानी के अनुसार एक बार नागराज तक्षक वाराणसी संस्कृत की शिक्षा लेने आए, लेकिन उन्हें गरुण देव से भय था, जिसकी वजह से वो बालक रूप में बनारस आए। गरुण देव को इस बात का पता चल गया कि तक्षक बनारस में है और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हालांकि अपने गुरु का प्रभाव होने के नाते गरुण देव को तक्षक नाग को अभय दान देना पड़ा। माना जाता है कि आक्रमण के दौरान तक्षक नाग इसी कुएं में छिपा था और यही पाताल लोक का रास्ता है। उसी दिन से यहां नाग पंचमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। लोगों का मानना है कि यहां के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष ठीक हो जाता है। इस मेले में सबसे पहले पंप द्वारा कुएं का सारा पानी बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसमें जो शिवलिंग स्थापित है उसका श्रृंगार करके पूजा पाठ करके वापस रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अपने आप एक घंटे में कुआं वापस भर जाता है। एक कहानी के अनुसार इस कुएं के अंदर सात और कुएं हैं, इसीलिए लोग इसे पाताल लोक का द्वार भी कहते हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में केवल तीन ही जगह काल सर्प दोष की पूजा होती है, उनमें से ये नाग कुआं पहले स्थान पर है। पुराणों में वर्णित है कि इसके अंदर पाताल लोक जाने वाला रास्ता आज भी मौजूद है और उसके अंदर भी साथ में विद्यमान है। कूप के अंदर विद्यमान शिवलिंग के दर्शन नहीं होते, इसीलिए बाहर मौजूद मंदिर में इस शिवलिंग के प्रतिरूप दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया है, जहां लोग पूजन पाठ कर काल सर्प योग और अन्य मनोकामना पूर्ण करने के लिए दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। ये स्थान कितने हजार वर्ष पुराना है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मंदिर के पुजारी जी की माने तो इस स्थान पर आज भी नागों का बसेरा है।
ऐसा भी कहा गया है कि सतयुग में इसी स्थान पर महाराजा हरिश्चंद्र के बेटे को सर्प ने काटा था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यदि काल सर्प योग की पूजा की जाए तो इसके प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इसके पानी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो इस पानी का छिड़काव या आचमन करते हैं तो जहरीले जीव जंतुओं के खतरे और नाग के घर में आने के डर से भी मुक्ति मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।